नमस्कार संगीतास किचन में आपका स्वागत है। जैसा आप देख रहे हैं, मैंने ये चावल भिगा के रख दिए थे। 4 से 6 घंटे हो गए हैं इन चावलों को भीगे हुए, तो मैं ये चावलों को पीसूंगी। और मैंने टमाटर पीस के रखे हैं और हम बनाएंगे चावल और टमाटर से बढ़िया पापड़। तो देखिए, एक इजी और झटपट बनने वाला प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं चावल को पीस लूंगी और ये जो टमाटर मैंने पीस के रखा है इसको थोड़ा सा मैं पकाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं चावल को पीसने के बाद। अब ये देखिए, मैंने पिसा टमाटर एक पैन के अंदर डाल दिया और हम इसका पानी थोड़ा सा सुखाएंगे और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक और मैं डालूंगी थोड़ी सी ये अजवाइन। पापड़ में अजवाइन बहुत ही बढ़िया लगती है, तो मैं इस तरह से इसको डाल दूंगी। और ये देखिए, बढ़िया हमारा टमाटर की प्यूरी तैयार हो गई। तो मैं गैस को करूंगी बंद और इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने चावल की तरफ। अब देखिए, ये चावल का बैटर बिल्कुल स्मूथ हो गया। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये है। और थोड़ा सा शायद हमें इसमें पानी डालना पड़े, हम देखेंगे कितना हमको इसके अंदर पानी चाहिए होगा। इस तरह से ये सारा बैटर हम इसके अंदर करके एक बार इसको अच्छे से चला लेंगे। और अब मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी अपनी मिक्सी जार में और फिर मिलते हैं आपसे। अब देखिए, ये बढ़िया चावल का बैटर हो गया तैयार। आप चाहें तो इसी में जीरा, अजवाइन, नमक डाल के चावल के पापड़ बना सकते हैं, पर हम आज बना रहे हैं टमाटर के पापड़। तो मैं ये टमाटर जो मैंने थोड़ा सा सुखा लिया आग के ऊपर अच्छे से भून के, तो ये देखिए, ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और अब हम इन दोनों को इस प्रकार से चला लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनेगा। मैंने इसमें डाल दिया नमक, अजवाइन, और एक चीज अब मैं और डाल रही हूँ, वो प्योरली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डालिए। मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा सफेद तिल पापड़ में, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो नॉर्मल कोस्ट में तो हम पापड़ बनाते हैं, हम धूप में सुखाते हैं, बेलते हैं। मैं आपको एक सिंपल मेथड बता रही हूँ पापड़ बनाने का। तो ये देखिए, मैंने कुछ ढक्कन ले लिए, इस तरह के जो भी आपकी बर्नियों के ढक्कन हो वो आप ले लीजिए। मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लिया। ऑयल लगाने के बाद हम ये बैटर इसके अंदर डालेंगे। हमें बिल्कुल इसको फैलाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही फैलेगा। ये देखिए, फर्स्ट टाइम में आपको ऑयल लगाना पड़ता है, फिर आपको ऑयल भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो जितना भी बड़ा आपके पास ढक्कन हो आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारे ये हमारे टमाटर के पापड़ होंगे स्टीम। तो अब मैं चढ़ाऊंगी एक बर्तन जिसके अंदर मैं रखूंगी जाली और उसमें हम रखेंगे ये ढक्कन। तो देखिए, ये एक पैन है जिसके अंदर मैंने ये छोटे छोटे ढक्कनों में ये टमाटर के पापड़ बनने रख दिए हैं। आप जितने चाहें उतने ढक्कन इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं और मैं इसको ढक दूंगी और स्टीम में ये हो जाएंगे बढ़िया पापड़ तैयार। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। अब देखिए, जब तक मेरे पापड़ स्टीम हो रहे हैं तो हम गैस को वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे ही हम वो निकालेंगे, हम ये दूसरे सेट ऑफ पापड़ उसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए,
ये हो गए हमारे टमाटर के पापड़ बिल्कुल रेडी टू बी स्टीम्ड। तो चलिए अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद। इसको थोड़ा कलर देने के लिए, टेक्सचर देने के लिए मैंने डाल दिया थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो अब मेरे ये पापड़ हो गए तैयार। तो मुझे क्या करना है, अब मैं ये ढककर निकालूंगी बाहर। आप देखिए धीरे से ये ढक्कन हम ले लेंगे बाहर और मैं नई ढक्कन रखती जाऊंगी। हमें बहुत ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि ये काफी गर्म होते हैं। आप देखिए कलर चेंज हो गया इसका और ये मैंने रख दी नए। तो इस तरह से अगर आपके साथ ढक्कन है तो फटाफट आपके पापड़ बनके हो जाएंगे तैयार। अब मैं इसको ढक देती हूँ। तो चलिए मिलते हैं 2 मिनट के बाद। अब ये देखिए मेरे पापड़ क्या बढ़िया, आप देख सकते हैं कितने अच्छे बन गए और कितनी जल्दी। इसी तरह से आप सारे पापड़ बना सकते हैं। मैं रात भर इसको पंखे में सुखा दूंगी और कल तक ये मेरे प्यारे से टमाटर के पापड़ हो जाएंगे तैयार। तो है ना बढ़िया, आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऑयल नहीं लगाऊंगी। जब हम सेकंड टाइम डालेंगे तो हमें ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं दोबारा इसको भर के रख दूंगी। आप ज़रूर इसको ट्राई करिए, झटपट बनने वाला। और अगर आपके घर में धूप नहीं आती या आप नौकरी करते हैं और आप इतना मॉनिटर नहीं कर सकते तो आप इस तरह से पापड़ बनाइए। अगर आप टमाटर नहीं डालें तो आप साबुतदाने का, चावल का भी इस प्रकार से पापड़ बना सकते हैं। अब देखिए मेरे और पापड़ बढ़िया हो गए तैयार। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ इस रेसिपी को आपसे शेयर करने के लिए। ये देखिए है ना बढ़िया, झटपट आपके घर में जब भी आपको समय मिले आप इस तरह से ये पापड़ों को रखते जाइए। ये देखिए, और अब मैं रख रही हूँ ये नया सेट चिली फ्लेक्स के साथ। किसी भी शेप और साइज में आप बनाइए और बिलीव करिए बहुत ही टेस्टी हैं। कल जब ये सूख जाएंगे पंखे में तो मैं आपको फ्राई करके भी इन पापड़ों को दिखाऊंगी। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि मैं ऑयल नहीं लगाऊंगी तो मैंने ऑयल नहीं लगाया और ये कितने सुंदर बनके हो गए तैयार। ये देखिए है ना बढ़िया। तो इस तरह से झटपट आप बनाते जाइए और आपका ये पापड़ बनके एकदम बढ़िया हो जाएगा तैयार। तो जो भी अब बच रहा है मैं डालूंगी क्योंकि हमें गैस वेस्ट नहीं करनी। हमारा पानी सिर्फ एक बार हमको हाई पे करके बॉईल करना है, फिर हम बिल्कुल धीमी आंच पे उसको रख देंगे। भाप में 1 मिनट ही आप रखिए और आपका ये लाजवाब पापड़ हो जाएगा तैयार। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे कल जब ये मेरे पापड़ सूख के हो जाएंगे तैयार। थैंक्स। तो देखिए ये टमाटर के पापड़ बनके तैयार हो गए और बस अब हमें इसको फ्राई करना है और यूज करना है। आप देखिए बढ़िया बनके हो जाएंगे तैयार। ये देखिए फटाफट बने थे ये पापड़, कितने अच्छे लग रहे हैं आप देख सकते हैं। और बिना किसी झंझट के, बिना कुछ बेले, बिना सेके ये बनके हो जाएंगे तैयार। बहुत ही क्रंची और बहुत बढ़िया। तो इस तरह से आप बना सकते हैं
टमाटर के पापड़, अगर आप इसके अंदर सोडे की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो ये काफी फूल के बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। अच्छा, प्रोफेशनली जब चीज बनती है तो उसमें बहुत सारा सोडा डाल दिया जाता है जिससे ये और अच्छे बन के तैयार होते हैं। ये देखिए, बिना टमाटर वाला पापड़ भी बढ़िया बन गया।